चलें, अगर अपन बात करें 53 क्वेश्चन की, तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 1 15 और 1 26। और अगर अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करें तो जो क्लोजिंग कैश और बैंक है, तो बताओ कैश कितना है इसका, 99,000 अगर अपन बात करें, और बैंक कितना है इसका, बैंक है 1,60,000। तो सर कैश ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर सब्सक्रिप्शन पे नेक्स्ट अटैक कर ले तो सर इस तरफ आपका आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, जो कि आप देखोगे तो बुक में गिवन है सब्सक्रिप्शन कितना, 4,28,000। और सब्सक्रिप्शन के बारे में ऐसी कोई एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं। इजी। थर्ड अटैक अपन करते हैं इंश्योरेंस पे। आपको बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से लेके अगर मैं बात करूं अगले साल 1 जुलाई तक का इंश्योरेंस है, तो इसका मतलब शायद इंश्योरेंस क्या रहा होगा, प्रीपेड। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे इंश्योरेंस खर्चे की तरफ, कितना लिखा हुआ है इंश्योरेंस के नाम पे अगर अपन देखें तो 20,000। तो सर ये इंश्योरेंस में 1/4, क्योंकि कब से लेके रखा है, 1 जुलाई से। 1 जुलाई मतलब कितने महीने, 3 महीने का प्रीपेड है अगले साल तक। तो सर प्रीपेड इंश्योरेंस आप कैसे निकालोगे, तो 20,000 साल भर का है, अगले साल की जुलाई तक का भरा हुआ है, मतलब कितने महीने का प्रीपेड है, 3 महीने का। तो अगर आपको प्रीपेड का कैलकुलेशन करना है तो आप करोगे 20,000 × कितना, 3/12, दैट कम्स आउट टू बी कितना, 5,000। मतलब सर 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है, आपने अगले साल की 1 जुलाई तक उसको भर के रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 15,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 15,000। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹11,000 अक्रूड वॉज नॉट रिसीव। अगर आप चेक करोगे तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बुक में कितना गिवन सर, बुक में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लेके चले तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास, 45,000। लेकिन जो अक्रूड है, अक्रूड मतलब बनता तो है पर अभी तक मिला नहीं है, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना आपके पास, 11,000। क्या ये हमारा एसेट भी रहेगा, तो आंसर इज यस, ये हमारा क्या रहेगा, एसेट भी रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 11,000। सर ये भी ठीक है अगर अपन लेके चलें नेक्स्ट लेवल पे। तो आगे क्या चाहिए, रेंट 6,000 और सैलरी, रेंट सैलरी और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये तीनों ही क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो सर आउटस्टैंडिंग चाहे वो रेंट हो चाहे वो सैलरी हो चाहे वो क्या हो, एडवर्टाइजमेंट क्या हो, एक्सपेंसेस, ये अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक तो लाइबिलिटी में आएंगे, कितना कितना, 6,000, फिर कितना 9,000, और फिर कितना 10,000। और सर यही सब चीजें खर्चे तो हैं, बनते थे पर अभी तक भले पे नहीं करे लेकिन क्या ये खर्चे हैं, हाँ। तो आपको इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की साइड में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके लिख सकते हो, रेंट सैलरी और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। रेंट सैलरी और क्या आपके पास, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने कितने हैं, 6,000, 9,000 और कितना, 10,000 रुपये। नेक्स्ट, लीगसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। इसका मतलब जो लीगसी डोनेशन मिला आपको, मतलब किसी की मृत्यु के बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम खरीदा, उसने बोला संस्था के प्योर नाम पे नहीं, संस्था को ये इसलिए दी, लीगसी दी जा रही है कि वो लाइब्रेरी बनाए या लाइब्रेरी का एक हिस्सा बनाए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है और स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा लाइबिलिटी में आता है। तो लीगसी डोनेशन, लीगसी डोनेशन कितना है आपके पास अगर अपन लेके चले, तो अगर अपन देखें तो 1,80,000 वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। क्या हो जाएगी हमारी, लाइबिलिटी। सर ठीक है, नेक्स्ट अटैक जो हम करते हैं वो किसकी तरफ करते हैं सर, रिसिप्ट साइड की। तो अगर आप अलाउ करो तो अपन रिसिप्ट साइड की तरफ देख लें। बताओ रिसिप्ट साइड में क्या क्या है सर, जनरल डोनेशन है मेरे ख्याल से, बाय डोनेशन कितना है वो,
90,000। फिर सब्सक्रिप्शन लिख दिया, लीगेसी इंटरेस्ट भी डाल दिया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी है, कितना है वो 2,000 रुपए। सर ठीक है, खर्चे में क्या क्या है? सर खर्चे में सबसे पहले क्या है आपके पास? चैरिटी। तो चैरिटी कितने की आपकी? 1,15,000 की आपकी क्या करी चैरिटी। फिर क्या है? रेंट एंड टैक्सेस, तो यहीं पर डाल देते हैं रेंट एंड टैक्सेस 32,000 के। फिर क्या है आपके पास? सैलरी, तो नीचे डाल दूं यहाँ पे अगर अपन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 सैलरी, कितना? 60,000। आउटस्टैंडिंग अपन अलग से ऐड कर चुके हैं तो फिर उसको अलग से लिख दिया अपन ने। फिर क्या आपके पास? प्रिंटिंग, वो कितना है? 6,000। फिर क्या आपके पास? पोस्टेज, वो कितना है? पोस्टेज है आपके पास 3,000। फिर क्या आपके पास? एडवर्टाइजमेंट, वो कितनी आ रही है? तो सर एडवर्टाइजमेंट आ रही है आपके पास कितनी? 45,000। ठीक है क्या सर? ये भी ठीक है, मैंने बोला हाँ यार ठीक तो है, कहीं ना कहीं अगर इसको चेक करोगे तो। उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस डाल चुके हैं अपन? देखो ऊपर 45, हाँ के ना, और उल्टा ये जो 5,000 प्रीपेड है ना वो इधर भी आएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो जाएगा आपके पास अगर लेके चले तो? सर 5,000, कितने रुपए? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 5,000। सर फर्नीचर कहाँ पे जाएगा? एसेट में। तो फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा एसेट में कितना? 2,16,000। फिर क्या है आपके पास? इन्वेस्टमेंट, कितना है आपके पास? 2,30,000। अगर आप इन सब चीजों का हिसाब किताब लगा लें, 5,76,000 यहाँ पे आ जाएगा। खर्चे कितने आ रहे हैं देख लीजिए आप लोगों, कितने आ रहे हैं? 3,01,000। तो 5,76,000 माइनस कितना? 3,01,000 रुपए। तो आपके पास सरप्लस टैली हो जाएगा 2,75,000। ये सरप्लस जब भी आप यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ओपनिंग कैपिटल गिवन होती कभी, तो उस ओपनिंग कैपिटल में आप सरप्लस क्या कर देते, ऐड कर देते। सो सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अगर अपन लिख चले, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 53 अगर अपन लेके चले, ठीक है ना सर? क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ रुख करते हैं अपन लोग। तो सर अगर अपन लेके चले क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चीजों को, तो क्वेश्चन नंबर 54, एक तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहता है और एक तरफ अपने पास क्या रहती है? बैलेंस शीट। तो सर ठीक है, यहाँ पे अपन छोटा सा फॉर्मेट, बैलेंस शीट के बना देते हैं। तो सर ठीक है अपन लेके चले, तो हम लोग क्या चाहते हैं? तो सर देखो ना, अगर अपन लेके चले तो आपको सबसे पहले क्या दिया 54 में? ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, तब तक क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस। तो सर इस केस में पर्टिकुलरली क्लोजिंग कैश में कितना आएगा अगर अपन बात करें? तो सर क्लोजिंग कैश आपके पास है 90,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश जाएगा, ये आपकी क्या है? एसेट्स, और यहाँ पे क्या है? लायबिलिटीज, और ये बन के आ रही है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट है आपके पास? क्लोजिंग बैलेंस शीट। और इस तरफ पर अपन बात करेंगे कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन की, जहाँ पे आपका ये साइड कौन सी है? इनकम, और इधर आपका क्या है? एक्सपेंडिचर। तो सर जब भी हम लिखते हैं तो ये शुरू कहाँ से होता है? बाय सब्सक्रिप्शन प्लस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस एडवांस एट
beginning minus advance at end. तो सर अगर अपन समझ के चलें और लेके चलें तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन है 215,000 आया है सब मिला के, जिसमें से माय हार्ट इज बीटिंग वाला सब्सक्रिप्शन जो अगले साल का आया है वो है 6,000, जो कि क्या हो जाएगा माइनस. ठीक है सर, क्लब के बारे में बोला गया है 500 मेंबर्स थे, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500. तो 500 मेंबर अगर 500 का सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं तो कुल मिला के 250,000 का टोटल इस साल का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए. तो सर 500 मेंबर्स हैं और अगर 500 मेंबर्स 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं तो इस साल के लिए करंट ईयर के लिए कितना आना चाहिए? 250,000. जबकि करंट ईयर के लिए आया कितना? 205,000 रुपए. चेक कीजिए करंट ईयर मतलब कौन सा? 2021 वाला साल. तो इस साल के लिए कितना पैसा आया? 205,000 रुपए. इसका मतलब क्या 45,000 रुपए लेना बाकी है? 45,000 बाकी है. सही समझ में आ रहा है कहने का मतलब? इस साल की फीस कितनी आनी चाहिए? 2,50,000. इस साल की फीस कितनी है? इस साल की, इस पर्टिकुलर साल 205,000. एक वर्ड दिया हुआ है 5,000 स्टिल इन अरियर फॉर 2020. मतलब आपको सोचो 2021 में से अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा था 2021 में लिखा हुआ था 2,00,000 कितना? 5,000. 21-22 के लिखे हुए थे कितने रुपए थे? शायद 6,000. और 19-20 के कितने रुपए लिखे थे? 4,000. तो पिछले साल का कितना पैसा आ गया? 4. और वो बोल रहे हैं पिछले साल का 5,000 अभी भी बकाया है. इसका मतलब पिछले साल टोटल बकाया कितना रहा होगा? 9,000 रुपए. क्योंकि सोचना, अगर मैं तुझे बहुत प्रैक्टिकली बात करूं कि पिछले साल के 4,000 रुपए तो आ गए, और वो बोल रहे हैं पिछले साल के 4,000 रुपए आने के बाद की 5,000 पिछले साल का और भी बकाया है. मतलब पिछले साल के स्टार्टिंग में बकाया कितने रहे होंगे? 9 में से आ कितने गए? 4. क्या 5 अभी बाकी है? तो क्या 5 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? हाँ. तो सर ये जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है इसमें कौन से मक्कार है? एक 2021 के मक्कार और एक 19-20 के मक्कार. तो 19-20 के टोटल मक्कार कितने थे? 9,000. उसमें से दे कितना दिया? 4,000. तो बचे कितने हैं? 5,000. तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना आएगा अगर अपन देखें? 45 + 5. एक बार चेक कर लो, ये पूरा 2,50,000 आना चाहिए. आ रहा है क्या? और सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड एसेट में जाएगा, और एडवांस जो आया है एडवांस सब्सक्रिप्शन वो हमारी क्या होता है? लायबिलिटी. तो डाल दो कितना? 6,000 लायबिलिटी में. और यहां पे अगर अपन चलें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के एंड वाला कितना है? 50,000. सर ठीक है, सब्सक्रिप्शन को ठिकाने लगा दिया. सर व्हाट नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सर नेक्स्ट है आपके पास म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू 4,000 पर ईयर पेड टिल 30th June. प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर 1,000. अब इसका मतलब ये है जब आप म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप खर्चे में लिखेंगे टू म्युनिसिपल टैक्सेस. कितने हैं वहां पे? 4,000. यहाँ पे होता है प्लस अगर मैं बात करूं एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड. ऐसा नहीं कि यहाँ पे, इधर भी तो ये था एडवांस एट बिगिनिंग क्या हुआ था? प्लस. और एडवांस एट एंड क्या होता है? माइनस. तो वो बोल रहे हैं पिछले साल से ही एडवांस कितने दिए हुए थे? बिगिनिंग में कितने दिए हुए थे? 1,000. और खुद सोचो वो बोल रहे हैं 30 June तक का म्युनिसिपल टैक्स भरा हुआ है. इसका मतलब क्या? सर देखो 4,000 रुपए साल भर का होता है, उन्होंने 3 महीने का म्युनिसिपल टैक्स एक्स्ट्रा भरा हुआ है 30 June तक. तो अगर आप सोचो तो 3 महीने का म्युनिसिपल टैक्स अभी भी क्या है? एडवांस. पिछले साल भी क्या था? एडवांस. इस साल भी क्या है? एडवांस. क्योंकि हमारे से म्युनिसिपल टैक्स वाले जो टैक्स लेने आते हैं वो क्या 1 अप्रैल को आते हैं कि 1 जुलाई को आते हैं? 1 जुलाई को आते हैं वो लोग. तो हमारा हर साल क्या होता है? इस साल का एडवांस पहले ही भरा देते हैं, अगले साल का एडवांस हम ऑलरेडी भर देते.
समझ में आया कहने का मतलब पिछले साल से इस साल की 30 जून का एडवांस पहले ही भरा हुआ था अपन ने, वो 1000 रुपया कर दी एड, और जो ये 4000 रुपए लेके गए हैं वो कब से ले गए, इस साल की 30 जून 2021 से लेके 30 जून 2022 तक का। क्या हमारा साल 30 जून 2022 को खत्म होगा कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा? तो इस पे जो 3/12 मतलब 1000 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे नेट कितना आ जाएगा, 4000। ये जो एडवांस म्युनिसिपल टैक्स आपने पे कर दिया वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की कौन सी साइड, एसेट साइड। तो सर अगर आपने एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया है तो वो बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगा, एसेट साइड में। कितना, 1000, एसेट साइड में कितना, 1000। सर ठीक है, बातें तो खैर अच्छी हैं। अब अगर अपन इसको थोड़ा सा और समझे तो आपको अगली एडजस्टमेंट दी हुई है, बिल्डिंग स्टैट्स इन द बुक्स स्टैंड्स इन, उसके आगे भी क्या बना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 5000। तो सर आप यहां पे डाल दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, और क्या सर वो खर्चे में भी आएगी, मैंने बोला हाँ यार दोस्त वो कहीं ना कहीं खर्चे में भी आएगी। तो आप इसको ऐसा ले लो, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, इसके ऊपर अपन जो भी सैलरी का अमाउंट होगा लिख देंगे। है क्या सैलरी कुछ गिवन है क्या सैलरी, 60000। नेक्स्ट, बिल्डिंग बोल रहे हैं बुक में 5 लाख की थी, ठीक है अच्छी बात है। 6% इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की। तो सर उस पे अगर मेरे को अक्रूड इंटरेस्ट निकालना हो तो बोल रहे हैं अक्रूड है मतलब अभी तक मिला नहीं है, अक्रूड इंटरेस्ट इस पे ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बात करूं अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो 2 लाख का 8% बोला है, 6% कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, कहीं ना कहीं 5000 आएगा ये, कैलकुलेट करोगे तो 5000। सर क्या यही बैलेंस शीट में भी जाएगा, यस यही आपके बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 5000 रुपए आ जाए। सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ मुझे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, आपको बोल के रखा है बिल्डिंग बुक्स में स्टैंड करके 5 लाख की, तो वो ओपनिंग में भी आएगी और क्लोजिंग में भी आएगी, तो बिल्डिंग कितनी की होती है, 5 लाख। चले अब अपन फोकस करते हैं रिसिप्ट साइड पे। तो सर रिसिप्ट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन तो हो गया, और क्या क्या है सर, डोनेशन है कितने के, सर डोनेशन है 54000 के। फिर क्या है, ड्रामा टिकट्स कितने की है, 95000। फिर क्या है, सेल ऑफ ओल्ड वेस्ट कितना, सर और तो ऐसा कुछ लगता नहीं है यहाँ पे आते हुए, तो अगर अपन देखें तो 350 शायद 4,08,000, चेक करो शायद 4,08,000 आना चाहिए, 4,08,500 ठीक है, 4,08,500। सर खर्चों की साइड पर अटैक कर लें, मैंने बोला हाँ यार अब खर्चे देख लेते अपन की, खर्चे क्या क्या है अपने पास। तो अगर अपन खर्चे देखेंगे तो हमारे पास सैलरी हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस बोल के रखे, बताओ क्या क्या एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस है आपके पास कितने, 7500। और क्या गिवन है, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस कितने हैं, 45000। फिर क्या है आपके पास, न्यूज़पेपर कितने का है, 15। म्युनिसिपल टैक्सेस डाल चुके हैं शायद अपन, चैरिटी कितने की है, 15। फिर क्या है आपके पास, इन्वेस्टमेंट डाल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगी, एसेट साइड में। और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है कितना, 15। तो सर अगर अपन बात करें तो इस तरफ तो 4,08,500 आ रहा है, एक बार उस तरफ का टोटल देख लो है क्या तुमको, अगर उस तरफ का टोटल निकाल पाए हो तो।
4 लाख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगे ना, 2 लाख, 4,08,500 में से अगर उस तरफ का कुछ खर्चा अगर आप निकाल पाए हो तो 1,86,000, ठीक है, तो 1,86,000 कुछ और कितना ही चेक करो कितना आ रहा है सरप्लस, आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास सरप्लस आ गया कितना, 2,22,000, कितना फाइव सर, अच्छा है, यही सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या होगा, ऐड